बाकी है, अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। आदरणीय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। सागर में सीपे अंगित है, सागर में सीपे अंगित है, कुछ मेरी होते हैं मोती, मानवता के परम पुजारी ममता में अनुपम अभिनंदन। आपका लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्वागत है। माननीय प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी से निवेदन है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भारती हैं, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज के विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी का स्वागत करें। भावना के फूल मेरी अंजलि में, भावना के फूल मेरी अंजलि में है सुरभ की गंध इनकी पांखों में। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आदर के साथ अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर जयशंकर पांडेय जी, जो क्षेत्र संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश विद्यावाटी से हैं, आप माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगेंद्र उपाध्याय जी का स्वागत करें। प्रोफेसर रजनी रंजन जी से अनुरोध है, जो प्रांत अध्यक्ष अवध प्रांत है विद्या भारती के, आप माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती रजनी तिवारी जी का स्वागत बंदोबस्त से करें। प्रोफेसर राकेश त्रिवेदी जी से अनुरोध करती हूँ, क्योंकि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का समय हमारे पास बहुत सीमित है, उसी का सदुपयोग हम सबको करना है। राकेश त्रिवेदी जी से अनुरोध है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी का स्वागत करें। डॉक्टर मंजू त्रिवेदी जी, जो प्रांत सचिव अवध प्रांत है, आपसे अनुरोध है कि हमारे बीच माननीय मंत्री संजय निषाद जी हैं, आपका स्वागत हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में करें। अपनों का स्वागत अपनों के बीच और अपनों के द्वारा करना कितना आह्लादकारी होता है। अनंत है जोश, अनंत उमंग, नया कुछ कर दिखाना है, करे संकल्प इस जग को पुनः सतयुग बनाना है। इन ये पंक्तियां पूरी तरह से हमारे आदरणीय कुलपति जी पर चरितार्थ होती है, जो अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 में आमंत्रित सभी अतिथियों के स्वागत के लिए मैं सम्मान पूर्वक कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर आलोक जी का से निवेदन करती हूँ। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व का समागम के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य के कुशल
कर्मठ और कर्तव्य निष्ठ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री राजकुमार रंजन सिंह जी, हमारे प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती रजनी तिवारी जी, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश सिंह शर्मा जी, मंच पर उपस्थित ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री संजय निषाद जी, सभागार में स्थित श्री स्वतंत्र सिंह जी तथा सभागार में उपस्थित देश के विभिन्न प्रदेशों से बधाए माननीय कोपरीगण आईआईटी आईआईएम के निदेशक, राज्य सरकार के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के सम्मानित अधिकारीगण, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के समस्त सम्मानित पदाधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के समस्त सम्मानित सदस्य, विश्वविद्यालय परिवार के संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशकगण, महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, विश्वविद्यालय के सम्मानित पूर्व छात्र एवं मीडिया के सम्मानित मित्र, लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित इस अखिल भारतीय संस्थागत मंत्री के समागम में मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एवं अपने निजी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं विशेष स्वागत करता हूँ हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो प्रदेश की उच्च शिक्षा के उच्च मानक स्थापित करने के लिए सतत कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की उच्च शिक्षा की नीतियों को संपूर्णता में सृजन पर बल देते हैं, ताकि संस्थाओं की विशिष्टता भी रहे एवं उनकी विविधता भी बनी रहे। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन अथवा रैंकिंग एवं अक्रेडिटेशन का विषय संपूर्ण राष्ट्र में अपनी उपलब्धियों की वजह से व्यापक विमर्श का विषय बन रहे। मैं स्वागत करता हूँ हमारे अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह जी का, जो स्वयं में प्रोफेसर एवं शैक्षणिक प्रशासक रहे। आप अपने अनुभव, मेधा और प्रतिभा से उच्च शिक्षा की जटिलताओं को बखूबी समझकर उनके दीर्घकालीन समाधान की प्रक्रिया में सफल सकते हैं। इस उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगेंद्र उपाध्याय जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं साथ ही स्वागत करता हूँ हमारी अत्यंत मृदुभाषी, विदुषी एवं रचनात्मक कौशल से परिपूर्ण राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी का, जिनके प्रयासों से प्रदेश की उच्च शिक्षा को नए प्रतिमान हासिल होंगे ऐसा हम सबका विश्वास है। इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेट मिनिस्टर्स और दूसरे जनप्रतिनिधि वालों का भी मैं स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की उच्च शिक्षा से जुड़े उन सभी नियंताओं का भी नीति नियंताओं का भी मैं स्वागत करता हूँ, जो इस कार्यक्रम की उपाध्यायता को बलवती करने में अपना सहयोग और योगदान देने के लिए इस 103 वर्ष पुराने विश्वविद्यालय में आ चुके हैं या आ रहे हैं, जिनमें प्रख्यात चिंतक एवं विचारक माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, चेयरमैन UGC, चेयरमैन AICTE, चेयरमैन NETET, डायरेक्टर NAC, चेयरमैन भारतीय भाषा समिति, सेक्रेटरी जनरल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इत्यादि प्रमुख लोग। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना है। किसी देश की महानता केवल उसके संसदीय कामों से नहीं होती, अपितु उसके नागरिकों की महानता से होती है। पर नागरिकों को महान बनाने के लिए उनका आध्यात्मिक विकास परम आवश्यक है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि शिक्षा वह नहीं जो सिर्फ जानकारी है, अपितु शिक्षा वह है जो वातावरण के साथ हम सबको सह अस्तित्व में रहे। इसके निमित्त शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षण संस्थानों की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। महात्मा गांधी का शिक्षा का दर्शन फेडरलिज्म, नेशनलिज्म और प्रैग्मेटिज्म पर आधारित था।